वेलकम बैक गाइज। एज यू कैन सी, जो हमारी चॉकलेट और मक्खन का जो मिक्सचर था, जिसके अंदर हमने चॉकलेट डाली, हमने मक्खन डाला, कॉफ़ी डाली एंड हम थोड़ी सी वनीला एसेंस डाली, वो जो है हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस एंड एब्सोल्युटली डिवाइन। बिकॉज ये चॉकलेट जो मेल्टेड चॉकलेट है, ये बहुत मज़े की लग रही है। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल, जब आप अपनी कोई भी डिश उतारेंगे ना डबल बॉयलर से, तो स्टीम बहुत ज़्यादा निकलेगी, तो अपना मुँह आप बिल्कुल पास ना करना, बस पीछे से होके ना आपने अपनी डिश निकाल लेनी है। सो इसको अब बस हम मिक्स करेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स करके विल जस्ट लेट इट बी, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने अपने दूसरे स्टेप के अंदर इसको यूज़ करेंगे। अभी ये बहुत गर्म है। सो एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट हम ना ऐसे करेंगे कि तो एक विस्क लेके इसको थोड़ा सा विस्क कर देंगे, जैसे ये जल्दी थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और ये जो जो आप डरे ना कि जब आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो मक्खन है ये ऊपर है, ये जब आप इनकॉर्पोरेट करेंगे फोल्डिंग वाले स्टेज के अंदर, तो ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो इसको अभी आप हल्का सा भी विस्क कर लें, जैसे ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा। बी केयरफुल अगेन, ओवन मिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट इन्वेस्ट इन दैम। एंड जब आप ओवन के अंदर भी कोई चीज़ डाल रहे हो या निकाल रहे हो, यू हैव टू वेयर ओवन मिट्स। लोग यूजली वेन देर पुटिंग समथिंग इन, दे डोंट वेयर द ओवन मिट्स। एंड जो ओवन की साइडें हैं उसके साथ भी आपका हाथ जल सकता है। ये अच्छी तरह आप विस्क कर लें, जैसे कि इसका जो मक्खन है ये अंदर अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो जाए और ये जो चॉकलेट का मिक्स है ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जैसे कि हम इसको अपने अंडे वाले मिक्सचर में इसलिए नहीं डालेंगे, वरना हमारा जो अंडे का मिक्सचर वो कर्डल करना शुरू कर देगा, मतलब कि वो पकना शुरू कर देगा। सो वी डोंट वॉन्ट दैट राइट नाउ, क्योंकि अभी हम अपने डबल बॉयलर के ऊपर अपने जो चार अंडों और 170 ग्राम जो चीनी का जो मिक्सचर है वो अभी हम उसको पकाएंगे। फिर पका के देन इन द थर्ड स्टेज वी आर गोइंग टू फोल्ड द चॉकलेट इनटू आवर एग मिक्सचर। अब यू कैन सर्व दिस इन अ बोल वंस द मूस इज़ रेडी। आप इसको एक बोल के अंदर सर्व कर सकते हैं, या इफ़ यू वांट आप इसको मार्टिनी ग्लासेस या इस तरह के छोटे वाले जो दूसरे ग्लासेस होते हैं उसके अंदर भी सर्व कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं विप्ड क्रीम के साथ, या इफ़ यू वांट यू कैन डेकोरेट इट विद चॉकलेट शेविंग्स एज वेल। ये अच्छी तरह अब मिक्स हो गया है, थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। सो गाइज, आई कीप ऑन टेलिंग यू दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई रिक्वेस्ट्स हो कि मैं आपको आपके लिए कोई स्पेशली आपको कोई और चीज़ सिखाऊँ, तो प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज मी, लीव अ मैसेज ऑन माई फेसबुक पेज और ईमेल मी। फेसबुक पेज पर जाने के लिए आप ईजिली लिख सकते हैं सर्च इंजन के अंदर munizekhalid.com एंड वहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर पहुँच जाएंगे, या इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ईमेल मी एज वेल ऑन mk@zaikatv.pk। आई एम वेरी प्रॉम्प्ट इन माई रिप्लाइज एंड आई वुड लव टू रीड योर ईमेल्स ऑन द शो एज वेल। सो ये देखिए, अब अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इसको ये जो चॉकलेट थोड़ी सी सख्त हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग, अब इसको हम छोड़ देंगे। अब छोड़ के अब हम ऐसे पहुंच जाते हैं अपने एग मिक्सचर के ऊपर। सो हम यही जो हमने पानी यूज़ किया है चॉकलेट के लिए, बिकॉज ये गर्म है, इसी के ऊपर अभी हम अपने चूल्हे को ऑन कर देते हैं एंड व्हाट वी विल डू इज़ इसको हल्की आग पे करके व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम अपने अंडे का जो मिक्सचर है उसको बीट कर लेंगे। अगेन आप इसको रखें अपना हाथ के अंदर अपने ओवन मिट के साथ, इसके ऊपर ग्रिप रखें अपनी एंड इसको आप विस्क करना शुरू कर दें। नाउ गाइज, व्हाट आई वांट यू टू नो इज़ दैट ये जो आप कर रहे हैं ना, यू हैव टू मेक श्योर दैट आप अपने जो ग्रिप है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रखें, जैसे कि ये टेढ़ा बनना हो। एंड ये भी है कि आपको अब इट नीड्स टू रिजेंबल मेनीज, सो आई शो यू व्हाट इट्स सपोज टू लुक लाइक। Guys, this is ready. Now I'm just going to take this off the heat.
अगेन बी केयरफुल, जब भी आप डबल बॉयलर से कुछ उतार रहे होंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है स्टीम निकल रही होगी, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप अपना थोड़ा सा हाथ दूर रखें जिससे कि आपका हाथ बच जाए. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर जस्ट गोइंग टू लेट दिस सिट एंड इसके अंदर हम ऐसे करेंगे, एक स्पून लेंगे, स्पून लेके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे. इसको इसलिए हम थोड़ा सा मिक्स करें जिससे कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए. इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं. आपका जो बोल है अगर गर्म, अभी मेरा बोल तो ठंडा हो गया है, अगर आपका बोल जल्दी से गर्म हो जाता है कीप ऑन वेयरिंग योर ओवन मिट्स. ये आपकी होगी चीनी और अंडे का मिक्सचर. अब चॉकलेट की भी मिक्सचर को हम थोड़ा सा विस्क कर लेते हैं फिर से. ये भी हमारा ठंडा हो गया है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि जो हमारे चॉकलेट का मिक्सचर है वी आर गोइंग टू पुट दिस इनटू आवर एग मिक्सचर. अच्छी तरह आप इसको अपने एग मिक्सचर में डाल दें एंड देन आप अपने स्पून के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता पहले मिक्स करेंगे. अब हम इसको अच्छी तरह विस्क के साथ भी करेंगे. फिर एंड में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अभी आप देखें इसकी थिकनेस नज़र आ रही है आपको एंड ये स्मूद होता जा रहा है. So this is what your consistency should be like. It's turned out really well. चले अब आपका ये मिक्सचर हो गया है. एक दफ़ा अब मैं आपको फिर से रिकैप दे देती हूँ. हमने अपने डबल बॉयलर के अंदर सबसे पहले पहला स्टेप था चॉकलेट, मक्खन, कॉफ़ी और वनीला एसेंस को मेल्ट कर लिया. उसके बाद हमने एक सेपरेट बोल के अंदर अंडे और चीनी को विस्क कर ली और फिर उसको भी डबल बॉयलर के ऊपर फिर से विस्क किया जैसे उसकी चीनी का जो दाना है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए. फिर हमने अपने जो चॉकलेट का मिक्सचर जब ठंडा हो गया था तो अपने एग के मिक्सचर में डाल के उसको विस्क कर लिया. एंड यू हैव टू विस्क इट अ लिटिल मोर जैसे कि इसकी जो थिकनेस आपको जो नज़र आ रही है वो मेनटेन होए. ओके, दिस इज़ व्हाट इट शुड लुक लाइक. इट्स थिकनिंग अप. ये आप देखें कि इसकी इस तरह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. ये रिफ्रिजरेट होएगा और ये थिकन अप हो जाएगा. जो थिकन इसलिए ये होता है, हमने इसके अंदर कोई जेलेटिन कोई कुछ नहीं डाला क्योंकि जो हमारे अंडे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एग योक्स की वो थिकने की एजेंट होता है. तो आपको कोई जेलेटिन कोई और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट डालने की ज़रूरत नहीं होगी. सो ये हमने सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं एंड आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कोई जेलेटिन कॉर्नफ्लावर कुछ डालने का जैसे कि ये जल्दी से थिकन हो जाए. ये नेचुरली आपके अंडे की जर्दी के साथ ये थिकन हो रही है, ये आप खुद देख सकते हैं. ये देखें चलिए. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू पुट दिस असाइड. फिर मैं ऐसे करूँगी, मैं एक और बोल लूँगी. एक और बोल के अंदर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक 4 एग वाइट्स और एग वाइट्स को मैं डाल दूँगी अपने बोल में. इसके बाद हम ऐसे करते हैं कि हम थोड़ी सी इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे और एक टेबलस्पून शुगर डालेंगे, उसको अच्छी तरह विस्क कर लेंगे. तो ऐसे करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के अंदर मैं अपनी विस्क को भी साफ़ कर लूँगी जैसे क्लीन विस्क के साथ हम अच्छी तरह इसको बीट कर लें. सो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर.